बलोद बाजार जिले मेर में अधिकांश घरेलू उपयोग करने वाली गैस का उपयोग चखना सेंटर में किया जा रहा है और दुकान संचालकों की लापरवाही के चलते लगातार हादसे भी हो रहे हैं। बावजूद अधिकारियों की पैनी नजर से मामला कोसों दूर हुआ चिंता का विषय है। ना तो आबकारी विभाग अवैध चखना सेंटरों में ध्यान दे रहे हैं और ना ही खाद्य विभाग चखना सेंटरों में उपयोग हो रहे एलपीजी गैस पर रोक या कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके चलते लोगों की लापरवाही देखते नहीं बन रही। छोटे से छोटे चाय दुकान की बात करें या बड़े होटल की या बात करें, अवैध चखना सेंटरों की हर जगह चंद पैसा बचाने के लिए लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक अधिकारियों की नजर से इस ओर किया जाता है और कई और हादसे का इंतजार रहेगा। नमस्कार, मैं जयप्रकाश साहू, आप देख रहे हैं जेके 24 न्यूज पे। आपको बता दें, बलौदाबाजार जिले में इन दिनों लगातार एक के बाद एक घरेलू जो गैस जो है चखनों दुकानों पे या नॉर्मल दुकानों पे उपयोग किया जा रहा है। इस मामले में हमारे पास आज जुड़े हुए हैं एसडीएम सर, उन्हीं से हम जानेंगे कि मामले में लेकर एसडीएम सर का क्या कुछ कहना है। सर, लगातार जिले में अवैध गैस का उपयोग किया जा रहा है दुकानों पे, चखनों सेंटरों पे, जिसमें अभी वर्तमान में ही कस्तोल में भी एक गैस फटा हुआ था जिससे एक आरक्षक का अंग भंग हुआ था। क्या कुछ कहेंगे सर? अपन जांच कराएंगे, आप ही के द्वारा सूचना प्राप्त हो रही है, जांच कराने के बाद जो भी उचित कार्रवाई हो जरूर करेंगे उसमें। सर, लगातार ऐसी दुकानें हैं चखना सेंटर है जैसे कि अभी कस्तूर में शराब दुकान के पास, वहाँ भी लगातार गैस का उपयोग किया जा रहा है, होम गैस का। इसमें क्या लगता है आपको कि गैस एजेंसियों की लापरवाही माने जो उपयोग कर रहे हैं उनकी? अभी जाँच कराने के बाद ही मैं कह पाऊंगा, और निश्चित रूप से आपके द्वारा सूचना प्राप्त हो रही है तो मैं जाँच करवाता हूँ। अभी चूंकि नया आया हूँ तो जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगा तो उसके आधार पर ही मैं कह पाऊंगा। साफ तौर पे एसडीएम सर का कहना है कि इस मामले को लेके जांच